तुझे माफ कर दूं, जिससे मेरे सुहाग की बिंदिया को छीनकर मेरे माथे पर विधवा का शब्द लिख दिया। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। 90s के दशक में बॉलीवुड और टीवी पर छाई रहने वाली एक हसीन एक्ट्रेस जो एक वक्त में अपने लुक और खूबसूरती से सुर्खियों में रहती थी। 5 फुट 11 इंच की हाइट, स्लिम बॉडी और मॉडल्स वाला फिगर, जिन्होंने फिल्मों के साथ सबसे ज्यादा फैशन शोज किए, उन्हें तब देश की मोस्ट डिजायरेबल एक्ट्रेस का टैग मिला, जिनकी एक झलक पाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ती थी। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत कर अपनी खूबसूरती का लोहा मनवाया? क्या आप जानते हैं ये एक्ट्रेस खिलाड़ी भी रही है? इन्होंने ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और बैडमिंटन भी नेशनल लेवल तक खेला। ये एक्ट्रेस हैं शिखा स्वरूप, जो चंद्रकांता के नाम से आज भी घर घर में जानी जाती हैं। अपनी फिटनेस के लिए सुर्खियों में रहने वाली ये एक्ट्रेस बीमार हुई और एक झटके में इनकी जिंदगी ही बदल गई। क्यों इतनी काबिल होने के बाद इन्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई और कौन था इनका हमसफर जो इनको बीमारी में अकेला छोड़कर चला गया? आज हम बात करेंगे शिखा स्वरूप की, इनकी लाइफ से जुड़ी वो बातें आपको बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी होंगी, जैसे कब शिखा स्वरूप बनी मिस इंडिया इंटरनेशनल, क्यों और कैसे मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस शिखा की हाइट उनके करियर के लिए रोड़ा बन गई, क्यों चंद्रकांता शो इतना पॉपुलर रहा उसको अचानक से बंद कर दिया गया, और कैसे शिखा स्वरूप अब इंडस्ट्री से दूर एक अलग जिंदगी बिता रही हैं, आइए जानते हैं। शिखा स्वरूप का जन्म 23 अक्टूबर 1970 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके मम्मी पापा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि शिखा इनकी इकलौती संतान थी और इनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। शिखा का बचपन बड़े लाड़ प्यार और सुख सुविधाओं में गुजरा। ये छोटी उम्र से ही काफी टैलेंटेड और होशियार स्टूडेंट थी। शिखा स्वरूप दिल्ली में ही पली बड़ी हैं और वहीं के कॉलेज से जब वो पढ़ाई कर रही थी तब मॉडलिंग की तरफ उनका रुख हुआ। इस दौरान उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भरा, वो सिलेक्ट हुई और मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी जीता। साल 1988 में उन्हें ये खिताब मिला था। इसी साल शिखा ने एक और काम में अपना नाम कमाया था, वो एक पिस्टल शूटर थी और 1988 के ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। पिस्टल शूटिंग और मॉडलिंग के साथ साथ शिखा स्वरूप एक अच्छी खासी बैडमिंटन प्लेयर भी थी। जिस हिसाब की शिखा स्वरूप की एक्टिविटीज थी उस हिसाब से उनके लिए कितने ही फील्ड्स खुले थे, लेकिन उन्होंने चूज किया ग्लैमोरस इंडस्ट्री को। औरत चीज नहीं, शक्ति होती है, और इस शक्ति से जो टकराता है खाक में मिल जाता है। जैसे ही शिखा स्वरूप मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी उसके बाद कई सारे ब्रांड्स ने इन्हें साइन कर लिया। इंडिया और इंटरनेशनल लेवल की टॉप ब्रांड्स की ये फेस बन गई। कहा जाता है कि अपने मॉडलिंग के दौर में शिखा स्वरूप ने 400 से ज्यादा फैशन शोज किए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि शिखा स्वरूप 1988 में मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी थी और ये ताज उनके पास 1991 तक रहा, क्योंकि बीच के 2 साल ये कॉन्टेस्ट हुआ ही नहीं क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं थी। फाइनली जब 1991 में फेमिना ने इस कॉन्टेस्ट को टेक ओवर किया तब जाकर वापस ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ और फाइनली तब जाकर शिखा स्वरूप ने अपना ये ताज अगली कंटेस्टेंट को पहनाया। मॉडलिंग में आते ही शिखा स्वरूप को फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे, जिसके बाद इन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया। साल 1990 में इनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें सबसे पहले रही आवाज दे कहां है, जो जनवरी 1990 में थिएटर्स में आई। ये एक लो बजट फिल्म थी जिसमें अविनाश वाधवन शिखा के ऑपोजिट हीरो थे और उनकी भी ये पहली फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसमें गांव की गोरी बनी शिखा की खूबसूरती को जरूर नोटिस किया गया। तो वहीं उनकी दूसरी फिल्म मई 1990 में रिलीज हुई जो थी पुलिस पब्लिक। तुझे माफ कर दूं, जिससे मेरे सुहाग की बिंदिया को छीनकर मेरे माथे पर विधवा का शब्द लिख दिया। इस मल्टी स्टारर फिल्म में राजकुमार, नसीरुद्दीन शाह, पूनम ढिल्लन आदि कई बड़े कलाकारों के बीच शिखा स्वरूप का बहुत छोटा रोल रहा, लेकिन इनके हिस्से एक सुपरहिट गाना जरूर आया। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन इससे शिखा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ उन्हें आगे भी इसी तरह की कुछ और मल्टी स्टारर फिल्में मिलने लगी। कमीने, मेरे पति की चिता जली थी शमशान घाट में और मेरे प्यार की चिता मेरे सीने में। इनमें से एक फिल्म रही प्यार हुआ चोरी चोरी। साल 1991 में रिलीज हुई इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती गौतमी लीड रोल में थे और शिखा स्वरूप साइड एक्ट्रेस थी, लेकिन ना ही ये फिल्म चली और ना ही इसमें शिखा का कोई खास किरदार रहा। इसके बाद शिखा 1992 में फिल्म तहलका में नजर आई, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। शिखा ने इस फिल्म में पुलिस के किरदार में छोटी मगर दमदार भूमिका निभाई और इस रोल से उन्हें काफी अच्छी पहचान भी मिली। उन बेवकूफ हिंदुस्तानियों ने उसी वक्त उस नकली फाइल में लिखे आपके एजेंट्स की जगह आपके और मिस्टर कपूर के दुश्मनों की लिस्ट ट्रांसमिटर के थ्रू हिंदुस्तान भेज दी। इसके बाद अगले साल 1993 में शिखा कायदा कानून फिल्म में दिखी, जिसमें अक्षय कुमार हीरो थे, लेकिन शिखा का रोल बेहद छोटा ही रहा। किशन,
नहीं किशन, मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, मगर तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। साल 1994 में शिखा ने नागमणि में काम किया। इसमें ये लीड हीरोइन थी और सुमित सहगल के साथ इनकी जोड़ी थी। इस फिल्म के कुछ गाने बेहद पॉपुलर हुए जो आज भी सुने जाते हैं। इसी साल शिखा स्वरूप फिल्म थानेदारनी में भी नजर आई, जिसमें इनका लीड रोल था। हालांकि एक छोटे बजट की फिल्म थी और इसमें कोई फेमस फेस मौजूद नहीं था। वैसे तो शिखा स्वरूप पर इस तरह का रफ एंड टफ किरदार सूट करता था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। औरत चीज नहीं, शक्ति होती है, और इस शक्ति से जो टकराता है खाक में मिल जाता है। साल 1994 में ही शिखा स्वरूप एक और फिल्म में नजर आई जो थी चीता। इसमें इनके साथ एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे, लेकिन अश्विनी भावे लीड रोल में थी और शिखा को एक्ट्रेस थी। इसके बाद साल 1995 में शिखा पुलिस वाला गुंडा फिल्म में अभिनय करती दिखी। धर्मेंद्र, रीना रॉय जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में भी कई सारे कलाकार थे और शिखा के करने के लिए कुछ खास नहीं था, और फिर ये किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आई। शिखा को अच्छी या बड़ी बजट की फिल्में बेहद कम मिल रही थी, और जो मिली भी उनमें शिखा का रोल काफी छोटा रहा और इन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका भी ठीक से नहीं मिल सका। इसी वजह से इन्होंने टीवी का रुख कर लिया और बेमन से इक्का दुक्का फिल्में इस बीच करती रही। शिखा को अच्छी फिल्में और ज्यादा फिल्में न मिलने के पीछे एक बड़ी वजह इनकी हाइट भी बताई गई। जब फिल्मों में हीरो खुद से लंबी हाइट की लड़कियों को डाइजेस्ट नहीं करते थे और उन्हें रिप्लेस करवा देते थे। शिखा स्वरूप को भी इस वजह से कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि तब एक दो हीरोज को छोड़कर ज्यादातर हीरो की हाइट कुछ खास नहीं थी, तो वो भला 5 फीट 11 इंच वाली हाइट की लड़की को अपने ऑपोजिट क्यों कास्ट होने देते। और इंडस्ट्री में ये वो दौर था जब बड़े एक्टर की मर्जी से हीरोइन उनकी फिल्मों में फाइनल की जाती थी। हालांकि भले ही अब काफी हद तक ये चीजें बदली हैं या बदल रही हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। इस वजह से शिखा स्वरूप को अच्छी फिल्में नहीं मिल पा रही थी और ना बॉलीवुड में इनकी कुछ खास पहचान बन पा रही थी। जिस वक्त शिखा स्वरूप फिल्मों में काम कर रही थी, तभी उन्हें शो चंद्रकांता का ऑफर मिला और इसमें लीड यानी कि टाइटल कैरेक्टर का रोल उन्हें ऑफर हुआ। शिखा स्वरूप फिल्मों में काम कर रही थी, इसके बावजूद उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये अपने आप में अलग कहानी थी और एक अलग तरह का शो बनने जा रहा था। अब तक रामायण, महाभारत इस तरह के शो चल रहे थे। चंद्रकांता जो शो था उसमें एक लव एंगल था, आपसी रंजिश थी, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग रही और शिखा स्वरूप ने नीरजा गुलेरी के साथ ये शो किया था। शहबाज खान लीड एक्टर थे। इसके अलावा इस सीरियल में हमें इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर नजर आए थे। इरफान खान ने इस सीरियल में बद्रीनाथ और सोमनाथ का किरदार निभाया था। यह सीरियल देवकी नंदन खत्री की बुक से इंस्पायर्ड था और सीरियल को डीडी पर टेलीकास्ट किया गया था, और जल्द ही यह सीरियल टॉप टीआरपी बटोरने लगा। लोगों को यह सीरियल बहुत पसंद आया। इस सीरियल का ओपनिंग सॉन्ग से लेकर सीरियल की कहानी सबको पसंद आई। कहा जाता है कि उस दौरान डीडी को वीकली शो से 50 लाख रुपए की कमाई होती थी। हालांकि इतनी टीआरपी बटोरने वाला शो होने के बावजूद 2 साल बाद इस शो को अचानक बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, शो की कहानी को मेकर्स ठीक से जस्टिस भी नहीं दे पाए। इतना भी टाइम नहीं दिया कि शो का लास्ट एपिसोड शूट कर पाए। खुद शिखा स्वरूप ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कैसे एक हादसे के कारण उनके साइट पर कुछ प्रॉपर्टीज और कॉस्ट्यूम भी जल गए थे। इस कारण भी वो इस शो को ठीक से खत्म नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि शो को खत्म करवाया गया था, पॉलिटिक्स की गई है, क्योंकि यह शो इतनी अच्छी टीआरपी बटोर रहा था, इसलिए जलने वालों की साजिश के तहत यह शो बंद हुआ था। तब खबर यह आई थी कि दूरदर्शन सेम टाइम पर सेम स्लॉट पर किसी और शो को लाना चाहता है। श्री कृष्णा यह शो था जिसको चंद्रकांता से रिप्लेस किया गया था, और चंद्रकांता को हटाने के पीछे दूरदर्शन की तरफ से कारण दिया गया था कि शो के मेकर्स ना स्क्रिप्ट दे रहे हैं, कहानी शुरू कहां से हुई थी और कहानी जा किस दिशा में रही है वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू बना, और शो का कंटेंट और टीआरपी भी गिरने लगी थी। इन सब कारणों को बताते हुए शो को डीडी से हटा दिया गया। कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स के चलते ये शो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया, बावजूद इसके कि शो टॉप टीआरपी बटोर रहा था। इस शो के बाद शिखा स्वरूप कुछ खास फिल्मों में नजर नहीं आई, लेकिन जब ये फिल्मों को छोड़कर वापस दिल्ली गईं और अपने पति के साथ रहने लगीं, तब इनकी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आने लगी। इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और ये अपने पति से अलग हो गई। शादी के 19 साल बाद साल 2011 में शिखा का इनके पति से ऑफिशियली डिवोर्स भी हो गया और ये फाइनली पूरी तरह से अपने पति से अलग हुई। बताया जाता है कि इन सालों में शिखा बुरी तरह से बीमार भी हो गई थी और पूरी तरह से बेड रेस्ट पर चली गई थी। हालांकि इन्हें क्या प्रॉब्लम हुई थी इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इस बीमारी की वजह से शिखा के करियर पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया था। तब ये ना ही फिल्म इंडस्ट्री में किसी से संपर्क कर रही थी और ना ही मीडिया ने इनके बारे में जानने की कोई दिलचस्पी दिखाई, और इस तरह ये बिल्कुल गुमनामी में खोती चली गई। इनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था और पति ने भी साथ छोड़ दिया था, और ये अपनी हालत से उबरने की कोशिशों में सालों तक लगी रही।
हालांकि फिर इन्होंने योग और एक्सरसाइज का सहारा लिया और ठीक होकर वापस लौटी और तलाक के कुछ समय बाद शिखा ने करियर में वापसी करने का फैसला लिया। तुझे माफ कर दूं, जिससे मेरे सुहाग की बिंदिया को छीनकर मेरे माथे पर विधवा का शब्द। इसी दौरान 2011 में चंद्रकांता शो के डायरेक्टर सुनील अग्निहोत्री ने इसका सीक्वल बनाने की घोषणा की। इसके लिए एक बार फिर से शिखा स्वरूप को कास्ट किया गया। इस शो का नाम रखा गया कहानी चंद्रकांता की। राजपाट खोने के बाद शिवदत्त अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए वो आज भी चुनारगढ़ को वापस हासिल करने के सपने देख रहे हैं। शिखा ने इस सीरियल में काम करने के लिए हामी भर दी और चंद्रकांता शो के लगभग 15 साल बाद इसी किरदार में स्क्रीन पर वापसी की। बद्रीनाथ ने हमारी योद्धा की हत्या करके हमें युद्ध छेड़ने की चेतावनी दी है। लगता है महाराज शिवदत्त अब युद्ध करने का संकल्प कर चुके हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शिखा ने इस समय जी टीवी के शो रामायण में कैकेयी का रोल प्ले किया था। ये रामायण साल 2012 में आई थी, जिसे मुकेश सिंह ने डायरेक्ट किया था। तो अच्छी तरह से जानती है कि हम तीनों बहनों में इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि किसने किसको जन्म दिया है। शिखा ने इसके अलावा भी और कई टीवी सीरियल्स में पहले भी अभिनय किया था, जिनमें 1996 में आया शो युग, 1997 में शक्तिमान, अंदाज, अमर प्रेम और कहां से कहां तक सीरियल भी शामिल रहे। अरे भाई, हिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ, यही पढ़ना है पढ़ाना है। और फिर इतिहास तो एक प्रोसेस है, एक्शन रिएक्शन का। शिखा ने लगभग 10-11 फिल्मों में काम किया और लगभग आधा दर्जन टीवी सीरियल्स का भी हिस्सा रही। इन्होंने अपने करियर में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उस तरह से नहीं जिससे इन्हें पहचान मिल सके। ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाई और मात्र एक सीरियल वाला स्टारडम ही इनके हिस्से में आया। शिखा की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह रही, जिसने इन्हें खूब ऊंचाई भी दी और फिर एक झटके में जमीन पर भी लाकर पटक दिया। इस बीच शिखा स्वरूप इंडस्ट्री से दूर इसलिए रहीं क्योंकि एक तो उन्हें बीमारी हो गई थी जिस कारण इन्हें रेस्ट की जरूरत थी, और दूसरी बात यह कि शिखा स्वरूप को एक जैसे रोल ऑफर हो रहे थे। सभी इन्हें अब प्रिंस के रूप में ही देखना चाहते थे। अलग अलग फिल्म, काम अलग अलग, लेकिन लुक वही। उस लुक से परेशान होकर शिखा स्वरूप ने एक टाइम पर इंडस्ट्री को बाय कह दिया। शिखा स्वरूप अब इंडस्ट्री से दूर ही रहती हैं। वो दिल्ली में अपना क्लोदिंग का बिजनेस चलाती हैं और अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो तो फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में कभी कभार नजर भी आ जाती हैं। शिखा स्वरूप ने आज भी अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। वो खूबसूरत है, जिस उम्र में वो अभी हैं उस हिसाब से आज भी वो बेहद अच्छी लगती हैं। शिखा स्वरूप की तरह कई ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री में आई और जल्द ही निकल गई। इसके पीछे कई बार कहा जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्ट्रेस को टाइप कास्ट किया जाता है। तीसरी बात यह कि जब आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, इंडस्ट्री में आपके कोई कॉन्टेक्ट नहीं बन पाते हैं, तो फिर एक शो के खत्म होने के बाद आपके पास कुछ करने को नहीं होता है। शायद इसीलिए भी लोग इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। फिलहाल की बात करें तो कुछ दिनों पहले शिखा स्वरूप अचानक लाइम लाइट में आ गई जब इनकी एक फोटो इंटरनेट पर वायरल होने लगी। इसे इनकी लेटेस्ट फोटो बताया जा रहा था, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि उम्र के हिसाब से भले ही शिखा के फेस में बदलाव जरूर आया है, लेकिन ये अभी भी पहले की तरह ही फिट नजर आ रही थी। तो वहीं कुछ लोगों ने इस फोटो को देखकर चिंता जाहिर की और कहा कि ये फिट नहीं, बीमार लग रही है। लेकिन शिखा स्वरूप ने इस पर खुद के सामने आकर कुछ भी नहीं कहा। शिखा अब 53 साल की हो चुकी हैं और ये दिल्ली में ही रहती हैं और कभी कभार अपने किसी जानने वाले या फैंस के साथ फोटोज में नजर आ जाती हैं। ये खुद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है, इसलिए इनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन ये फिलहाल ठीक ठाक जिंदगी गुजर बसर कर रही है। शिखा भले ही लाइमलाइट से दूर रही, लेकिन फैंस के जहन में अभी भी उनकी छवि बरकरार है। दोस्तों, शिखा स्वरूप का कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। नमस्कार।